हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, यू आर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था और आज हम फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फेस वैल्यू मीन्स होता है अंकित मान, या हम कह सकते हैं कि जैसा फेस टू फेस दिखाई देता है ना, मीन्स जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है उसका जो फेस वैल्यू होगा वही डिजिट रहेगा। ओके, उस डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू या हम कह सकते हैं कि किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वही डिजिट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, जैसे हम यहाँ समझते हैं कि जैसे ये ज़ीरो है, ओके, इसको ज़ीरो की हमें फेस वैल्यू देखेंगे तो ज़ीरो ही रहेगी। सपोज़ टू है, टू की हमें फेस वैल्यू निकालना है तो टू ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। फेस वैल्यू जिस भी डिजिट का हम लोग निकालना चाहते हैं वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होगा। ओके, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट रिमेन द सेम वेदर इज इट इज एट टेंस प्लेस, वंस प्लेस और अदर प्लेसेस। हम कह सकते हैं कि किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है, चाहे वह टेंस प्लेस पे हो या वंस प्लेस पे हो, किसी अन्य प्लेस पे हो, पर डिजिट का फेस वैल्यू वही डिजिट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, अब हम यहाँ पे आपको कई सारे सॉल्विंग दिए गए, उसका हमें फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें 34 दिया गया है ना, 34, इसमें हमें 3 का फेस वैल्यू भी निकालना है और प्लेस वैल्यू भी बताना है। तो 3 जो सर्कल कर रखा है उसका फेस वैल्यू, तो हमने क्या बोला अभी के जिस भी नंबर का हमें फेस वैल्यू बताना है वही नंबर उसका फेस वैल्यू होगा। तो 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3। ओके, अब इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो पहले हम ये नंबर क्या है 34 है, तो 4 आपका वंस प्लेस पे आ रहा है, 3 आपका टेंस प्लेस पे आ रहा है। ओके, तो 4 तो आपका वंस प्लेस पे आ रहा है, लेकिन हमें 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 3 किस प्लेस पे आ रहा है, टेंस पे, तो 3 टेंस। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वल 30। इसी तरह से हमें 47 में 7 का फेस वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने क्या देखा था कि फेस वैल्यू, हम जिस भी नंबर का फेस वैल्यू निकालते हैं वह सेम ही नंबर होता है, तो 7 का फेस वैल्यू हमारा 7 रहेगा और इसका प्लेस वैल्यू वंस और टेंस। तो 7 किस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो 7 वंस इज इक्वल टू 7। ओके, नेक्स्ट जैसे 98 है ना, 98 में 9 का हमें फेस वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू तो हमारा तो 9 का 9 ही रहेगा। अब हमें 9 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो वंस टेंस है ना, ये 8 वंस प्लेस पे आ जाएगा, 9 हमारा टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो 9 किस प्लेस पे आ रहा है, टेंस प्लेस पे आ, तो 9 टेंस इज इक्वल टू 90। इसी तरह से 8 का फेस वैल्यू 8 रहेगा और 8 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा, 8 वंस इज इक्वल टू 8। इसी तरह से 78 में 8 का फेस वैल्यू 8 रहेगा और प्लेस वैल्यू आप वंस और टेंस करके निकाल सकते हैं, तो 8 वंस आ रहा है ना। इसी तरह से आपको नीचे बहुत सारा होमवर्क दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है ना। तो आपको समझ में आ गया फेस वैल्यू किसे कहते हैं, किसी भी अंक का फेस वैल्यू सेम होता है, जो अंक आपको फेस वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है वही अंक उसका फेस वैल्यू होगा, चाहे वह 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, तो उसका फेस वैल्यू वही होगा, वही नंबर होगा। ओके, दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट, इन सर्कल द करेक्ट नंबर। स्टूडेंट, इसमें आपको टेंस और वंस दिया गया है, उसका आपको करेक्ट नंबर बनाकर सामने जो नंबर दिए गए उसमें से चूज करके करेक्ट नंबर पर सर्कल करना है। ओके, फर्स्ट जैसे 5 टेंस एंड 8 वंस, 5 हमारा टेंस हो गया, 8 हमारा वंस हो गया, तो नंबर क्या हो गया हमारा 58। अब इस लाइन में हमें 58 सर्च करना है ना, तो ये रहा हमारा 58, ये 58 को सर्कल करना है। ओके, इसी तरह से 4 टेंस एंड 9 मंथ्स, ये 4 टेंस हो गया, 9 वंस हो गया है ना। अब
49 हो गया, क्या नंबर बना हमारा 49। अब इस लाइन में 49 को फाइंड करना है, तो ये रहा हमारा 49, इसको सर्कल करना है। 7 टेंस 5 पंस क्या हो गया नंबर 75। अब इस लाइन में 75 को फाइंड करेंगे, तो ये रहा हमारा 75 और इसको सर्कल करना है। इसी तरह से 8 टेंस एंड 6 वंस है ना, तो 86 नंबर हो गया। 86 फाइंड करेंगे इस लाइन में, तो ये रहा, इसको सर्कल करना है। ओके, इस तरह से हमें इस और भी सॉल्विंग दिए गए हैं आपको, इसमें वंस और टेंस टोटल नंबर निकालना है और आगे जो नंबर दिए गए हैं उसमें से सही नंबर चूज करके उस पर सर्कल करना है। ओके, ये भी आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है, व्हाट्सएप पर सेंड करना है। नेक्स्ट, रीड एंड राइट अगेन एंड अगेन। आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, उसको आपको रीड करना है और बार बार लिखना है। ओके, पढ़ना है और बार बार लिखना है। यहाँ पे आपको 61 से लेके 70 तक काउंटिंग लिखी गई है, 61 to 70। ओके, 61 to 70। ओके, तो 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। यहाँ पे नीचे आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है, इसमें आपको इसी काउंटिंग को रिपीट करना है ना, 2 टाइम इसको रिपीट करना है, 61 to 70। नेक्स्ट आपका नीचे 71 to 80 तक काउंटिंग दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको 71 से लेके 80 तक काउंटिंग लिखना है। यहाँ पे लास्ट में आपका 80 आ जाएगा और फर्स्ट में आपका 71 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। सेम नीचे भी आपको यही वर्क करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, यहाँ पे आपको 81 to 90 इसको रिपीट करना है, फिर नेक्स्ट 91 to 100 राइट करना है इन दोनों ब्लॉक में, है ना, 91 से लेके 100 तक। ओके, इसको पूरा कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, हाँ, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मैं कॉपी के लिए होमवर्क दे रही हूँ। इसमें आपको राइट द फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट इन द सर्कल्स, है ना। आपको यहाँ पे 2 डिजिट दिए गए हैं, 59, है ना, इसमें 9 को सर्कल कर रखा है। आपको 9 की फेस वैल्यू निकालना है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 9। ओके, और अब 9 की आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो वंस टेंस, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या रह जाएगी अपनी, 9 वंस। मैं स्पेस नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, 9 वंस। इस तरह से आपको इस पूरे होमवर्क को कंप्लीट करना है और कंप्लीट कॉपी में राइट करना है और मुझे सेंड करना है। ओके, और नेक्स्ट है इन सर्कल द करेक्ट नंबर। इसमें आपको 9 टेंस और 1 दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट नंबर चूज करके उसको सर्कल करना है, जो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो 9 टेंस एंड 4 वंस, 9 आपका टेंस हो गया, 4 आपका वंस हो गया, तो क्या हो रहा है, 94। अब इसमें 94 फाइंड करिए, ये रहा 94, इसको सर्कल कर दीजिए। इस तरह से आपको ये सारे सॉल्विंग कंप्लीट करना है। ओके, और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।